हेलो गाइस, तो आज नए ब्लॉग की शुरुआत, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 58 की साइड को, और आज वहां पर है पार्टी, दिवाली सेलिब्रेशन। हाँ, दिवाली सेलिब्रेशन मतलब पार्टी है। और साथ में मेरे जा रहा है तेजस, जो आगे बैठा Hello. है। मस्त पिक्चर आ रही है। आज हमने कुर्ता पहना है रेड कलर का। साथ में हमारे जा रहे हैं और साथ में हमारे हैं अमूल्य सर, जो कि आगे ड्राइव कर रहे हैं, और हम अमूल्य सर की गाड़ी में ही जा रहे हैं आज। तो और साथ में हमारे हैं महान कन्हैया जी, जो कि हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, और आज आए हैं व्हाइट कुर्ता पहन के तभी पार्टी में। तो गाइस, अभी निकल चुके हैं यहाँ से, और तो मिलते हैं गाइस। तो बगल में हमारे जा रहे हैं जगदीश सर की गाड़ी। क्या कह रहे हो? हाँ जगदीश सर, अरे मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। मैं हूँ ना जगदीश सर, पहले बताना चाहिए था। हम पहुंच चुके हैं घाटा रोड, यहाँ से लेंगे लेफ्ट, राइट दाएं मुड़ेंगे। अच्छा राइट, हाँ सॉरी राइट, मैं बोल रहा हूँ राइट कह रहा, लेफ्ट दाएं मुड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, दाएं मुड़ेंगे यहाँ से। हम दाएं मुड़ेंगे यहाँ से 150 मीटर दूरी जाने के बाद लेफ्ट मुड़ेंगे स्टेट में। आप ओरियो सोसाइटी है यहाँ पर। अभी G20 का, अभी यहाँ पर बंजारा मार्केट भी है। तो गाइस, यहाँ पर एक बहुत अच्छी मार्केट है बंजारा मार्केट, और बहुत अच्छी मार्केट है। रवि कांत जी जाते हैं ना सर। तो गाइस, अभी यहाँ पर G20 का सम्मेलन भी यहीं हुआ था गुड़गांव में। वो तो पुराना हो गया। तो गाइस, इसी होटल में हुआ था, ग्रैंड हयात है ना। तो गाइस, ये ग्रैंड हयात होटल में ही हुआ था G20 का जो। और वाह, पॉल्यूशन की वजह से बिल्डिंग नहीं दिख रही है सर। तो गाइस, पॉल्यूशन बहुत है यहाँ पर को, और बहुत अच्छा व्यूज लग रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि सिंगापुर आ गए हैं। देखिए गुड़गांव, इसलिए तेजस को आज एक जलेबी अलग एक्स्ट्रा दी जाएगी। जलेबा दिया जाएगा। हाँ, जलेबा दिया जाएगा तेजस को। तो गाइस, अब यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न, और अब ये सीधा रूट से हम जाएंगे। और अभी वहाँ पर यहाँ पर गाइस ताज होटल भी है, मुंबई वाला नहीं है पर ये ताज होटल खाने पर ढाबा है। गाइस, ये कौन सी बिल्डिंग है? देखो, ये कौन सी बिल्डिंग है सामने? बड़ी सही बिल्डिंग बनी है बिल्कुल। गाइस, गुड़गांव तो बहुत डेवलप हो गया है। ये मैग्नम टावर है, कन्हैया जी बता रहे हैं आपको। कन्हैया जी को पूरा आइडिया, क्योंकि वो यहाँ घूमे हैं पहले, 1970 में यहीं पर रहते थे। गाइस, ये गुड अर्थ बिजनेस भी यहाँ पर है। और ये सेक्टर 58 है? नहीं, ये बलोला बिजनेस। सर क्या है ये, कौन सा सेक्टर है? क्या मुझे नहीं, ये एरियो सिटी है। हाँ, ये एरियो सिटी है, मेडिसिन स्कूल भी है सामने से। तो गाइस, अब हम चले गए गांव की तरफ को। ये बिल्कुल गांव की रोड, देखिए गांव की पत्ती सी रोड से होते हुए जाना पड़ता है, और ये रोड आगे जाके निकलती है सीधे पहाड़ी वाली रोड पे, और वो सीधे फरीदाबाद को टच करता है। अच्छा, ये अरे रुकेगा सर को गाड़ी चलाने दे अभी, तो डिस्टर्ब मत कर आगे बैठ के, बहुत डिस्टर्ब करता है।
हाँ यार डिस्टर्ब कर रहा सर, ये देखिए गाइस बढ़िया ग्रीनरी, वाह यहाँ पर है हॉर्स राइडिंग क्लब। अच्छा हॉर्स राइडिंग क्लब है यहाँ पर को, और पोलो क्लब गाइस यहाँ पर पोलो क्लब भी है ये सामने मेरे, मैं दिखाना हूँ आपको। गाड़ी तेज थोड़ा, गाड़ियों का काम बना रहा, इधर बनाना अब टीन है ना भाई, खड़ा हो जा, ये वो भी नहीं है सनरूफ नहीं है ना गाड़ी, सनरूफ नहीं है। अच्छा ये वाली ये जो रोड है, हाँ हाँ, तो गाइस इस रोड से आप सीधे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे, इधर बंद कर रखे पहाड़ी वाले रोड पे सीधे, और यहाँ पर तो पहुंच चुके हैं आज गाइस। पीछे लगाना है सर पार्किंग में, नहीं गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, आप लोग को यहीं पर रोकता हूं। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं सेक्टर 58 से, और गाइस यहाँ पर को गोल्फ कोर्स भी है, पर गोल्फ खेला जाता है, हॉर्स राइडिंग भी होती है इधर, और साथ में आज चलने भी आया मैं जगदीश सर के साथ, और सुबह मैं जब इधर को आ रहा था तो अब तो मैं अमूल सर के साथ वेन्यू में, अभी हम टाटा टियागो में, यहाँ पर है अर्बन अखाड़ा गाइस, यहाँ तो पूरी ग्रीनरी है, अभी ये थोड़ा सा गुड़गांव से थोड़ा सा हटके भी है, और आगे से आ गई है गाड़ी, गाय और गाय का किनारे, गाय का बच्चा, गाय का बच्चा बछड़ा गाइस। अब हम आ गए हैं मेन हाईवे में, तो ये मेरे सामने क्या है सर, ये कौन सी बिल्डिंग है जानते हो आपको बताऊँ तो बिल्कुल चमक गया सर, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिंगापुर में आ गए। मैं निकल रहा हूँ बट मैं 58 से निकल रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 20-21 मिनट, मतलब 20 तक पहुँचूंगा आपके पास, 20-25। तो गाइस इस एरिया में हॉर्स राइडिंग क्लब बहुत हैं, और आपको भी आना है तो हॉर्स राइडिंग करने यहाँ आ सकते हैं आप, गगनचुंबी इमारतें हैं यहाँ, हाँ यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे दिस इज द एरो गाइस, ये एरियो सिटी। और आज हमारे साथ पीछे हैं, अभी तो जाते समय तो मेरे साथ कन्हैया और तेजस थे, अभी हैं हमारे साथ पीछे रविकांत जी, हेलो रविकांत जी, हाय, और साथ में है नवनीता मैम, हेलो, और ये हमारे हैं एक्स आर्मी सुबेदार। हिमाचल से जो जगदीश सर हैं, अपने पहाड़ी हैं भी। तो गाइस अभी पहुंचते हैं आगे, आपको फिर दिखाते हैं, तो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, आपको सिर्फ बिल्डिंगें भी अच्छी से दिख पा रही हैं, देखो कितना पॉल्यूशन है, कहते हैं कि आज 400 से ऊपर है, रेड जोन में है पूरा, जो AQI है वो 400 से ऊपर है आज, और और ये मेरे सामने है होटल हयात, आप लोग कौन से सर, और यहाँ पर अभी G20 का सम्मेलन भी हुआ था, होटल हयात में ही हुआ था वो भी। सर कौन से तरफ से निकलोगे, सीधा या इधर से? लेफ्ट होंगे मेरे से, लेफ्ट से 56 पड़ेगा कि नहीं, अपना लगाओ फोन पे किस तरफ पड़ता है, जल्दी करो 56। तो गाइस अब यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे और सीधे इफ्को चौक की तरफ को जाना है हमें, क्योंकि मैं हुड्डा सिटी सेंटर से लूँगा मेट्रो और जगदीश सर जाएंगे द्वारका की तरफ को। बस गुड़गांव में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं और बस, और कुछ नहीं, पेड़ पौधे तो कुछ ख़त्म हो गए, इसलिए इतना पॉल्यूशन है और इतनी गाड़ियां हैं रोड में और इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये पॉल्यूशन तो हो गई नॉर्मली सी चीज़, तो इसी पॉल्यूशन में तो अब रहना ही है। पास में ही बंजारा मार्केट भी है, अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे।
जाएंगे वजीराबाद होते हुए कुत्ता का लीजेंड से। इसको गाइस ये घूमता जो ड्रम इसको शुभ माना जाता है, शुभ मानते हैं इसको, हाथ लगाना और वहाँ के बुद्धिस्ट के जो उनके मठ होते हैं ना वहाँ पे हाथ से घुमाते हैं। यस ओके, तो गाइस इसका जो ड्रम है इसको गोल घूमता रहता है तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है कहते हैं ये। अरे गाइस यहाँ पर को मांगने वाले भी आ गए पर हम कुछ दे नहीं रहे तो अभी ये तो रोज का ही, हम तो रोज ही जाते हैं और ये रोज ही मांगते हैं तो कहाँ से रोज दे पाएंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं सर, वो देखो ट्यूब जा रहा है सामने का, गाड़ी में जा रही है और अभी पीछे से मैडम बोल रही है कि आगे जा रही है ट्यूबक पूरी पेटियां जा रही हैं। हमने अपना पर्स वर्स भूल के आ गए। अरे मेरा तो बैग जो है वो किशन सर की गाड़ी में रह गई, वो चले गए दिल्ली। कहाँ चले गए? वो दिल्ली चले गए। क्या बात, इतनी जल्दी क्यों चला गया? और बाय कर दो हमारे गाइस को, बाय, क्योंकि ये 56 okay, है। अब जा रहे हैं और अब मैं रवि कांत जी और जगदीश सर। हाय डियर, अब चलते हैं, आज की पार्टी भी हो गई है और दिवाली सेलिब्रेशन जो था वो भी हो गया है, तो दो दिन और आना है ऑफिस और उसके बाद फिर छुट्टी है सैटरडे से, और सैटरडे को तो ट्वेंटी को मिलेंगे। क्यों करो ट्वेंटी को मिलेंगे गाइस, कब मिलते हैं? अभी तो आएंगे वैसे तो जल्दी आएंगे। रेड लाइट सबसे गंदी है यहाँ पे, रेड लाइट बहुत टाइम लेती है, बहुत ज्यादा। अभी तीन लाइट होंगी। के जा रहे हैं अंकल, हम लोग भी कभी कभी ऐसे बैठ के सुबह आते हैं। और ये जाएगा भी इको चौक तक यहाँ से सीधे ऑटो, मज़ा आता है ऐसे बैठ के भी जाने में। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं हुड्डा सिटी सेंटर पे और अब मैं तो यहीं उतरूंगा, यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा। और साथ में भी मिल गए हैं हमारे वहीं के हैं पांडे जी। हेलो पांडे जी। नमस्कार भाई साहब। तो जाएंगे अभी सीधे, ये लोग तो जाएंगे जगदीश सर के साथ द्वारका को और मैं उतरूंगा यहीं पर, फिर मिलते हैं आगे घर जाके पहुंच के दिखाता हूं आपको, तो बने रहो मेरे ब्लॉग में आप। तो गाइस अभी मैं उतर चुका हूं और मैं अब यहां इको चौक आ गया हूं आज, और मैं इको चौक से लूँगा अब मेट्रो, क्योंकि मैं हुड्डा सिटी पर नहीं उतरा, मैं अभी उतर गया था। तो गाइस ये है इको चौक मेट्रो स्टेशन, यहाँ से लूँगा आज मैं मेट्रो और फिर मैं जाऊँगा अपना मेट्रो से। तो बने रहो गाइस ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको अभी घर पहुँचे, मिल जाता हूँ आपको।